तो दोस्तों ये रही जाबा बॉबर 42 बॉबर, तो उसको चला के देखते हैं, इसकी की को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, पिकअप तो बड़ा गजब है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। सो दोस्तों ये रही जाबा बॉबर 42 बॉबर, और अभी इसको राइड करके देखेंगे। पहले उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि दिखने में कैसी है, और उससे भी पहले इसकी की देखो। सो ये बड़ी सिंपल सी इसकी की है, और इस पर जावा की ब्रांडिंग हो रखी है, और यहाँ पे भी जावा की ब्रांडिंग है। बाकी ये सिंगल सीट वाला वेरिएंट है, पीछे यहाँ पे कोई भी सीट आपको देखने नहीं मिलती। बिल्कुल प्रयाग जैसी ही है, बट प्रयाग से बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्यों? क्योंकि उसकी लाइट एक तो यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पर आती है, और दूसरा ये वाला जो उसका मतलब पूरा कंसोल होता है, बड़ा 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 सा भरा भरा सा होता है, उसमें पूरी कवरिंग होती है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन उसकी बातें मैं यहाँ पे क्या ही करूँ। पहले आप इसको देखो, ये बॉबर 42 कॉपर कलर के अंदर, और यहाँ पे ये जो इसका इंजन है 334 सीसी का। बाकी रियर प्रोफाइल देखो यार, इसका कितना हैवी है, 140/70 का आपको इसका रबर देखने को मिलता है। 17 इंच ये स्पोक व्हील्स हैं इसके अंदर, एंड फ्रंट में आपको 190 का रबर देखने को मिलता है, और 18 इंच का पूरा स्पोक ये रिम है। और यहाँ पे ये C8 के रबर यहाँ पे कंपनी ने यूज़ करे, और ये देखो इसका कितना बड़ा सा यहाँ पे रेडिएटर है, काफ़ी बड़ा रेडिएटर है। यहाँ पे कूलेंट वगैरह डालना पड़ता है इसके अंदर, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, थोड़ी एक्सपोज है, अगर कुछ भी चीज़ इसमें हिट हो गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है इसका एक कवर आता होगा, पार्ट ऑफ एसेसरीज होगा वो, सो उसकी बात यहाँ पे नहीं करते। बाकी यहाँ पे इसके एग्जॉस्ट देखो, एक एग्जॉस्ट इसका ये रहा बिल्कुल पाइप जैसी शेप में, और दूसरा एग्जॉस्ट इसका ये रहा इस वाली साइड में बिल्कुल पाइप जैसी शेप का। बाकी स्लीपर क्लच के साथ आती है, 6-स्पीड गियर बॉक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि वो पावर प्रोड्यूस करेगा कैसी। सो अब इसको चला के देखते हैं, इसकी की को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, और ये हो गई ऑन, EFI की आवाज़ आ गई है। तो इसको चला के देखते हैं, छोटी सी राइड लेते हैं, और देखते हैं कि इसमें जो 334 सीसी का जो इंजन है इसके अंदर, वो कैसी पावर डिलीवरी कर रहा है। क्या ये सच में ही एक मतलब वैसी वाली है फीलिंग इसके अंदर या नहीं है, क्योंकि जो इसके अंदर चीज़ें यूज़ करी हुई हैं वो तो काफ़ी प्रीमियम लग रही हैं। सो बातों में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको चला के देखते हैं। सो इंजन नॉइस तो इसकी कुछ ऐसी है, स्लीपर क्लच फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ भाई। पिकअप तो है, बहुत बढ़िया भाई, पिकअप तो बड़ा गजब है। ये मार्केट में कहाँ घुस गया मैं राइड करता करता आज। इतनी पावरफुल मशीन को मैं यहाँ पे राइड कर रहा हूँ, जो मुझे फील भी कर रही है कि हाँ ये देखो वो, ये जाम में मज़ा नहीं आ रहा यार चलाने में, खुली जगह कहाँ मिलेगी। बहुत सही देख रहे हो पिकअप, वैसे इसके अंदर पेट्रोल है नहीं, रिजर्व का साइन आ रहा है। इसको ज़्यादा चलाते नहीं है, ज़्यादा मज़े लेते नहीं है, एवरेज इसकी कोई ज़्यादा खास है नहीं। और चलो इस ट्रैफिक में ये तो पता लगा हैंडलिंग है कैसी, तो हैंडलिंग कंफर्टेबल है, सिटिंग पॉस्चर भी अच्छा है इसका, बट सिंगल बहुत सही। जहाँ मौका मिल रहा है वहीं एक्सेलरेट करके देख रहा हूँ भाई, मैं तो मज़ा आ रहा है चलाने में। ब्रेकिंग भी अच्छी है यार। अब यहाँ से लेते हैं राइट, यार ये पूरा रोड ही ये मार्केट जैसा हो रखा है यार आज तो। भाई है पावर तो बाइक के अंदर, 29 Nm का टॉर्क,
आता है, इसने लैग क्यों लिया यार। बहुत सही भाई, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा और राइड करते हैं, लेकिन ये दिल्ली का ट्रैफिक यार, ये चैन नहीं लेने देता यार। बाइक तो कंफर्टेबल है, देखो गियर शिफ्टिंग भी यहाँ पे मीटर के अंदर शो हो रही है। यूटर्न ही ले लेता हूँ, आगे जाके करूँगा ही क्या, ये रोड खाली मिल गया। भगाने का फायदा नहीं है, लेकिन हाँ इतने से ये जरूर पता लग गया कि चीज़ सही है, भाग रही अच्छी। जो 350 सीसी बुलेट से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो भाई हो सकता है आप गलत हो, क्योंकि जो इसकी पावर डिलीवरी है वो बुलेट से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हद से ज़्यादा अलग है। देखो हर बाइक का एक अपना टेस्ट होता है, मतलब एक अपना तौर तरीका रहता है, इसका बिल्कुल ही अलग है। मतलब क्विक रिस्पॉन्स कर रही है, जैसे स्पोर्ट्स बाइक नहीं होती हैं, हल्का सा एक्सेलरेट करा गाड़ी एकदम, मतलब आपका बाइक एकदम से रिस्पॉन्स करता है, वही चीज़ है। देखो है पावर भाई, बहुत मतलब अलग ही लेवल पे पावर डिलीवरी आ रही है यहाँ पे। ये मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी बाइक राइड करी है क्रूजिंग स्टाइल में, और फुल एकदम मतलब तौर तरीके जिसके बिल्कुल ही अलग है। और ये अभी मैं साकेत में हूँ, साकेत के अंदर ये जो जावा का शोरूम है यहीं पर हूँ, और यहीं पर मिल गई, और यहीं पर मिल गई मुझे ये राइड करने के लिए। लेकिन ये जो पावर है इसके अंदर, ये मुझे बोलने नहीं दे रही है। जहाँ भी एक्सलेट कर रहा हूँ वहीं एकदम गोली हो जाती है, गोली की तरह एकदम निकलती है। लेकिन ये भाई समझ में नहीं आता लोगों का। गजब भाई गजब, चलो यार। चल तो अच्छी रही है यार, पेट्रोल है इसमें नहीं है। आरपीएम तो थोड़े से लो हो गए, स्टार्ट करी थी जब थोड़े ज़्यादा थे, और वैसे भी आरपीएम स्टार्टिंग में थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं इस बाइक के। तो यार ये चल क्यों नहीं रहे, बच गया भाई बच गया। ऑसम ब्रेकिंग, नाइस, बच गया अभी। i10 का बम्पर लेके चले जाता मैं अपने साथ। हैंडलिंग अच्छी है भाई इसकी, कुछ भी कहो इस वेरिएंट की जो हैंडलिंग है, सही चल रही है भाई, मज़ा आ गया चला के। और मैं पहुंच गया शोरूम के पास, ये रहा शोरूम, और ये रही वेलार। क्या क्या दिख रहा है मुझे, लेकिन एक चीज़ है यार इसमें कि ये जो इसका स्टैंड है, ये थोड़ा इस पर अभी टच हो रहा है, टच इस पर नहीं हो रहा है एक्चुअली, पैर साइलेंसर के ऊपर टच होता है। खैर कोई नहीं, पहले इसको ऑफ करते हैं, वैसे ही पेट्रोल की मुझे कमी लग रही है। सो देखो चलाने में एग्रेशन इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत सही चल रही है, बट अगेन कहानी वही है कि ये रोड भाई इसके लायक मुझे लग रहा है लगी नहीं रही, क्योंकि भागती है एकदम से, ऐसे रिस्पॉन्स कर रही है एकदम क्विक। देखो मुझे तो ये चलाने में बहुत अच्छी लगी, अगर आप क्रूजिंग बाइक प्लान कर रहे हो तो एक बार ज़रूर से इसको राइड करके देखना। मैं इसी वेरिएंट की नहीं कह रहा हूँ, उसके अदर वेरिएंट भी है जिसमें 2 सीट्स और आती हैं, जैसे रोस्टर वगैरह है, तो आप उनको राइड करके देखो, आपका हो सकता है जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल चेंज हो जाए, हो सकता है। रॉयल इनफील्ड को इस चीज़ के लिए ना देखो, देखो रॉयल इनफील्ड का एक अलग मज़ा है, जावा का एक अलग ही मज़ा है, इसका जो इंजन पावर डिलीवरी करता है, क्विक करता है। मुझे तो पर्सनली यार देखो अगेन बोलूँगा, बहुत सही लग रही थी चलाने में, इसकी ब्रेकिंग आपने देखी हुई कितनी बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही थी, मतलब एकदम से रुक भी रही थी, और पिकअप भी इसका बहुत अच्छा था। एवरेज की मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि एवरेज मुझे नहीं लगता ये कुछ देती हुई होगी, कि जिस हिसाब से इसका टॉर्क है, पिकअप है, वही उसमें एवरेज
उसकी तो बात ही मत करो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, ये बाइक कैसी लगी, अगेन इस चीज़ के लिए भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में ऐसे ही फ्रेश फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।